राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम योगी के घर गोरखपुर में मौजूद हैं। राजपत्र की टीम जो है गोरखपुर में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आपको आज हम नगर निगम आए हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। आपको बता दें, यहाँ पर 525 करोड़ 262 विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। अब लेकिन जो सवाल है, एक मन में जो उठ रहा है कि ओमिक्रॉन जैसा एक खतरनाक वेरिएंट पूरे भारतवर्ष में आ चुका है और कहा जाता है कि जो डेल्टा है, डेल्टा से वो 4 से 5 गुना ज़्यादा प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है, 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए कई जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी कहा जा रहा है कि उन प्रोग्राम्स को आप लोग टाल दीजिए, क्योंकि ये खतरा है। एक कोरोना एक खतरा है और ओमिक्रॉन एक बहुत बड़ा खतरा देश के लिए बनता जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शादी ब्याह में आपने एक तय कर दिया कि 200 लोग आ सकते हैं, आपने पार्टीज़ पर बैन लगा दिया है कि पार्टीज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन अगर हम आपको तस्वीर दिखा दें, एक जरा तस्वीर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखा दें, आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर कितने लोगों ने मास्क पहना है और कितने लोगों ने नहीं पहना। समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रोग्राम है यहाँ पर, नहीं तो हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए नगर निगम में मौजूद हैं और यहाँ पर आए हुए एक नए भवन का लोकार्पण भी किया जाना है। कोरोना अब नहीं फैलेगा तब कब फैलेगा? तो क्या जो नेतागण हैं, जो बड़े बड़े पार्टीज हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम रैली करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे, क्योंकि तो उनके ऊपर भी जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके जो उच्च पदों पर आसीन लोग होते हैं, उन पर दबाव होता है कि नहीं, अगर रैली में ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो हमारे नेता की बेइज्जती होगी। और आज हम नगर निगम में मौजूद हैं और हम यहाँ ये जो तस्वीरें, इसमें भी दिखाना ज़रूरी है कि आप समझिए कि हम सिर्फ शादी पार्टी नहीं, हमें ऐसी जगह से बचना चाहिए जहाँ पर भीड़ ज़्यादा, आपकी जान से ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं रखता। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो इस तरह के काम कर रहे हैं तो कोई इंतजाम किए जाए। कई मामलों में पुलिस सदन के निर्माण की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी थी और जिस सदन का निर्माण वर्ष 2022 में तैयार होना था, नगर निगम प्रशासन के लगातार प्रयास से एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लगातार समर्थन के परिणाम है कि वर्ष 2022 में पूर्ण होने वाला यह भवन वर्ष 2021 में ही जनपद गोरखपुर के जनमानस को आज समर्पित होने जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि कुछ धैर्य और रखें, मौसम शायद प्रतिकूल होता चला जा रहा है, पर इस कार्यक्रम को शीघ्रता से आज इस जनपद के प्रांगण में संपन्न होना है। आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा सा धैर्य रखें और किसी क्षणों में यह ध्वनि इंगित करती है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन शास्त्री चौक पर हो चुका है और सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से जनपद में आज इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन हरी झंडी दिखा करके किया जा रहा है। आवश्यकता हो पोषण की, आवश्यकता हो सहभागिता